डेड बॉडी घर नहीं आता है, डीएनए का मसला हो गया। हाँ ठीक है, सरकार का प्रोसेस है, डीएनए मिलना है तभी जाके डेड बॉडी मिलेगा, लेकिन सरकार इस मामले में, इतना बड़ा हादसा हो जाता है, सरकार इस मामले में क्यों नहीं जल्द से जल्द कदम उठा रही है, जांच पड़ताल कर रही है कि जिंदा या मुर्दा सबका परिजन के पास उसका डेड बॉडी पहुँच जाए या फिर जो इंजर्ड है वो घर पहुँच जाए। ऐसी बहुत सारी 83-84 लाश वहाँ पर पड़ी हुई जिसको आज तक पूछने के लिए नहीं आया। डीएनए का मसला ये हो जाता है कि सरकार ने जो केंद्र सरकार ने जो अनुदान राशि दिया है वो राशि लेने के लिए भी बहुत सारा फर्जीवाड़ा हो रहा था, जिसके कारण सरकार भी सोची कि डीएनए सैंपल लिया जाए और मैच करके जी दिया जाए। हाँ ठीक है, आपका भी एक प्रोसेस है, लेकिन जल्द से जल्द चूल्हा उल्हा खाना उना सब बंद है, दूसरे आंगन से आता है तो खाते हैं या कोई पूछ लेता है तो खिला देता है, तो ऐसे ही खाते हैं। अभी कैसे है, ऐसे में तो पूरा परिवार ही बर्बाद हो जाएगा, पूरा परिवार ही परिवार की स्थिति खराब हो जाएगी। जो एमरी तसव्वर हैं उसकी नई नई शादी हुई थी, जो वाइफ है वो प्रेग्नेंट है, बार बार हॉस्पिटल जा रही है, रोना गाना से स्थिति खराब है, दूसरा कैजुअलिटी ना हो जाए किसी के घर में। एक वो बंदा था कमाने वाला, वो चला गया, छोटा सा भाई है, वो कैसे घर परिवार चलाएगा, इनकी तबीयत खराब रहती है। दम में की शिकायत है आपको, यही ना, कहाँ से इलाज चल रहा है आपका? हमारा इलाज चल रहा है बहेरी से, बहेरी से, दरभंगा बहेरी से, है ना। दिल्ली से कुछ दिन इलाज कराए हैं तो सुधार क्या नहीं हो रहा है अभी? सुधार क्या होगा, उम्र ज़्यादा होगा तो सुधार क्या होगा, उपद्रव बढ़ता ही रहेगा, सुधार होता रहेगा थोड़े। अच्छा, अब तो कोई घर में रहा नहीं कमाने धमाने के लिए, तो कैसे घर का भरण पोषण करेंगे? सरकार अगर मदद करेगा तो ठीक है, नहीं करेगा तो अल्लाह मालिक है उसके लिए, इससे आगे तो कुछ है नहीं। जैसी बात, लास्ट में आपके जो MP हैं प्रिंस राज, उनसे क्या कहना चाहते हैं? हम क्या कहना चाहते हैं, नहीं हम सो आज तक में मिलने जुलने को ही आया, जो कैसा स्थिति में उसका परिवार जीता है, कैसा स्थिति में रहते हैं, जो हम जो 5-5 वोट जो देते हैं और 5-5 वोट सो हारे और जीते, हम तो चाहते हैं जो हमारे गांव के सरकार बने, हमारे गांव के मुखिया सरपंच बने। अच्छा, आप लोग ने चुन के भेजा उनको, MP बना दिया, और जब चुनाव होता है तो आते हैं हाथ जोड़ के आपके दर पे वोट मांगने के लिए। आज आपके घर में इतना बड़ा कैजुअलिटी हो गया, बालासोर ट्रेन हादसे में आपका लड़का कर गया, आज तक कोई अधिकारी नहीं है, कोई अधिकारी नहीं है, कोई। अब 24 में चुनाव आने वाला, आएगा फिर से नेता, क्या फिर से हम क्या करेंगे, हम नहीं देंगे, हम सब रोड में बवा को खाएंगे, और सरकार से क्या हमको मुआवजा दियाएगा, और हमको MP MLA देखने नहीं आता, तो हम सब तो मर जाना ना बेहतर है, मर जाएंगे तो किस से वोट लेगा, तो अपना समाज से जिए, हम सबको तो बाग दिया, छांट दिया, अभी तक कहूँ पता नहीं है, हमारे सबको कोई खबर लेने वाला नहीं है, तो ऐसा है जो हमारे घर को खबर ले, सब काम सबसे होता है। अच्छा, आप जो बालासोर ट्रेन हादसे में गए वहाँ से, फिर वहाँ से रिटर्न आए, फिर आपने खुद जाके थाना में इन्फॉर्म किया कि मेरा बच्चा लापता हो गया? हाँ सर, हम कोई अधिकारी नहीं आया, अधिकारी कोई नहीं आया। तो आपने क्या दर्ज करवाया थाना में? सर थाना में दिए थे मोबाइल के बारे में, जो मोबाइल जो आदमी रखे हुआ था, जो आदमी उसके मोबाइल जेब से निकाला शनिचर के 8 बजे दिन में, वो कहा जो लड़का डेट करके हॉस्पिटल में, और उसको बोले कहाँ आवे, किस जगह आवे, तो पता नहीं बता, मोबाइल ऑन कर दिया, फिर 1 बजे दिन में कहा कह दिया ना मर गया, उसके बाद मोबाइल 1 हफ्ता 10 दिन बंद रहा, फिर मोबाइल खुला हुआ था, उसको लोकेशन से हम पकड़े, लोकेशन से पकड़ के उसका फ़ोटो ले लिए हम यहीं से, फिर हम पुलिस में रिपोर्ट किए, तो पुलिस जो है जाके वो मोबाइल हमारा जो वहाँ आदमी था बरामद किया, हाँ वह उसको हवाला मोबाइल कर दिया, मतलब आपके जो गांव के कोई वहाँ पर रह रहे हैं उड़ीसा में, उनको हैंड ओवर करवाया, हाँ उसको मोबाइल। ये देखिए एमरी तसव्वर की फैमिली आए हैं हॉस्पिटल से, अभी दिखा के बैठिए यहाँ पे आप, इतने दिन से इनकी हालात खराब है, और उसके बाद पकड़िए इनको, ठीक है स्थिति संभालिए, आपकी तबीयत खराब चल रही है, आप कहाँ गए थे, हॉस्पिटल गए थे? हॉस्पिटल गए थे। 41 नंबर डेड बॉडी की पहचान हुई है, तो आपने क्या पहचाना, देखा क्या लग रहा है? वही है, वही है, मतलब कि डेड कर गया ट्रेन में, है ना। आपकी 1 साल पहले शादी हुई थी, सरकार के किसी गलती के कारण आपका हस्बैंड का डेट हो जा रहा है, तो सरकार से क्या अपील करें? क्या से मदद करे और क्या, और फैमिली और बच्चा के लिए अब आगे के जो जो रास्ता वो निकाल दिया। अच्छा, एक बात आपसे भी पूछते हैं ऐसे सामाजिक स्तर पे, कि अब तो MD तो सोवर रहा नहीं, ठीक है, आप लोग ने पुष्टि कर लिया कि 41 नंबर जो डेड बॉडी है वो आपके लड़के की है, ठीक ठीक है, वो आपके लड़के की है,
तो अभी एक साल हुआ शादी को, अभी इनका भी एक ही साल हुआ था शादी को, आप प्रेग्नेंट भी हैं, तो जो बच्चा आएगा दुनिया में, तो आप कैसे संभालेंगे और इनको सहारा देंगे या नहीं देंगे? हम लोग जहाँ तक वहाँ तक सहारा देवे ना करेंगे, जब तक हम लोग जिंदा हैं उसको सहारा देंगे, उसके बाद उसके लिए अल्लाह मालिक है। कभी ऐसा तो नहीं होगा कि घर से भगा देंगे? नहीं, ये आप कैमरे के सामने ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं, कभी नहीं भगा सकते हैं, कभी नहीं भगा सकते हैं, वो हमारा बेटी है, पोतों और बेटी में कोई फर्क नहीं होता है। ये सर क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए था, लेकिन हम एक सामाजिक स्तर पे आपसे पूछ रहे हैं। आप हाँ, पूछना चाहते हैं, ऑन रिकॉर्ड सही है, पूछिए। जब तक हम जिंदा रहेंगे उसको हम रखेंगे, कोई तरह तकलीफ नहीं होगा, जब तक हमारा सांस रहेगा चलता होगा जब तक। हाँ, इनकी वाइफ से भी पूछ लेते हैं कि अब तो मृत सवर रहा नहीं, लेकिन इनका जो परिवार है इनको कैसे आप संभाल? कैसे रखेंगे? एक तो हमको 41 नंबर को डेड बॉडी हमारी पुतों को दिखाना चाहिए, कैसे रखेंगे? हम अपने फैमिली को रखेंगे, हम अपने जब तक हमारा ताकत रहेगा तब तक हम रख सकते हैं। उनका बाद सरकार को हवाला, समाजी हवाला, कैसे बच्चा पोसा जाएगा, कैसे क्या होगा? हम सबको तो उम्र लूज होगा तो कमाने के लायक नहीं न रहेंगे, तो हम रखेंगे, हम बेटी बना के उसको रखेंगे। रखने के बाद और सरकार से हमको चाहिए डेड बॉडी, और हमका इंसाफ चाहिए, और हमारे कैसे बहू रहेगा उनका इंसाफ चाहिए। हम भी यही चाह रहे हैं कि एमडी तस्वर के फैमिली को जल्द से जल्द इंसाफ चाहिए, और उसके बाद सरकार से जो अनुदान राशि मिलना है वो मिले जल्द से, कि इनका जो स्थिति ख़राब है उसकी भरपाई हो चाहे। अब इनका लड़का तो रहा नहीं दुनिया में, और कम से कम सरकार की तरफ से कुछ मुहैया कराया जाए, जो अनुदान राशि है वो जल्द से जल्द इनको पहुँचाया जाए। अगर आप फेसबुक पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपसे अपील है कि जल्द से जल्द वीडियो को शेयर करें और उसके चैनल को फॉलो करें, ताकि एमडी तस्वर के फैमिली को इंसाफ मिल सके। जुड़े रहे उम्मीद 27 के साथ। धन्यवाद।